ओके हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। हैव अ गुड आफ्टरनून। कैन एनीवन प्लीज कंफर्म इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल। ओके ओके, विल स्टार्ट आवर सेशन। आपको पता होगा दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ आवर यू नो मेगा मैराथन सेशन, जहाँ पे विल डिस्कस 1000+ क्वेश्चंस विच विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग अबाउट ग्रेड एग्जामिनेशन। ओके, सो ऑन दैट कंटिन्यूएशन विल हैव ESI सेशन। तो यहाँ पे हम आज स्टैटिक ESI क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो स्टैटिक में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो उसमें से वी विल हैव क्वेश्चंस। ओके, इज देयर एनी नॉइज गाइस? ओके, नो देर इज नो नॉइज फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट। ओके, विल स्टार्ट अवर सेशन नाउ। सो इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू अवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई भी क्वेरी है तो hello@examb.com पे आप हमें मेल कर सकते हो, एंड 9205240280 इज आवर नंबर। ओके, विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट अवर सेशन नाउ। Which of the following statements about priority sector lending is or are true? Okay, this is about priority sector lending. तो आपको बताना है which of the following statements about the PSL is or are true. Guys, we'll have 100 questions today, तो we'll be going really fast. तो आपको उस हिसाब से थोड़ा जल्दी से आपको answers देने होंगे. Okay, please try to answer as soon as possible. तो PSL norms are decided by RBI after discussion with the cabinet secretary. All education loans are part of PSL in India. RRBs, cooperative banks, SFBs are exempted from PSL norms. Okay, so none of the above are true. Because cabinet secretary has no role here. All education loans are not part of PSL. Up to 10 lakhs are part of your priority sector lending, and RRBs, cooperative banks, and SFBs are not exempted from PSL norms. Okay, okay, not all education loans. यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख फॉर एजुकेशन लोन एंड 20 लाख इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड। सो यू नो ओनली दीज लोन्स आर पार्ट ऑफ योर PSL। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? जो कोर 8 कोर सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, इट इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हियर आर ऑप्शंस, यू हैव 10 सेकेंड्स गाइस। You have 10 seconds to answer this. Which of the following is not one of the core sectors in Indian economy? Yes, the answer is C. Okay, IT and ITES is not there in the 8 core sectors. Aap dekh sakte ho, electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas, and fertilizers. So these are the 8 core sectors of Indian economy. Okay. ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म्ड अंडर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? ओके, ये कौन सी ईयर में ये पास हुआ था? वेरी इजी, वेरी इजी अगेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड? करेक्ट, इट इज सी 2019। ओके, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इट वॉज डन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ विच ईयर? मतलब कौन सा, नॉट ईयर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट?
It is asking fundamental duties were included in the Indian Constitution under which Constitutional Amendment Act? It is 42nd, okay? 42nd Constitutional Amendment of 1976. इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे. लगभग एवरी वन इज करेक्ट हियर. नीलेश, सनिका, पूजा, नीलेश, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? वील हैव 100 क्वेश्चन गाइज, वील हैव टू मूव रियली फास्ट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? सो ऑल दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स. ओके, दिस इज आस्किंग इंटर स्टेट काउंसिल. Yes, the answer is Sarkaria Commission. Okay, Sarkaria Commission has recommended Interstate Council mentioned Article 263 of the Indian Constitution. तो यहाँ पे आपको ये question क्यों important है? आपको ये से के syllabus में there is a part Indian political system. Okay, Indian political system. And अभी आपको पता होगा जो zonal councils हैं उसके meeting हुए थे. Right? For that, you know, this is really important. Telegram पे, yes, I will share my Telegram group link after a while. वहाँ पे यू कैन फाइंड द पी डी एफ ऑल्सो, यू नो, इन द डिस्क्रिप्शन इन द कमेंट सेक्शन यू विल फाइंड द पी डी एफ ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन एज वेल. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन? जो आई आई पी है, इट इज आस्किंग आई आई पी में कौन सा पार्ट नहीं है. ओके, इट इज आस्किंग आई आई पी में कौन सा नहीं है. Yes, B. Pharma is not there. आप देख सकते हो, you know, index of industrial production, refinery products, electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizers. All these are part of your IIP. Okay? Pharma is not there. Okay? Very good. Which of the following conventions control transboundary movement of hazardous waste and its disposal? जो हाजर्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल है, इसमें कौन सा कन्वेंशन इज रिलेटेड? यू नो, आपका सिलेबस में वन पॉइंट इज देयर जो जहाँ पे हम एनवायरमेंटल कन्वेंशंस पढ़ते हैं. राइट, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. आपको बताना है विच ऑफ द पर्टिकुलर कन्वेंशंस इज रिलेटेड टू ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हाजर्डस वेस्ट एंड इस डिस्पोजल. करेक्ट, इट इज बैसल कन्वेंशन. ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजरस वेस्ट इज रेगुलेटेड बाय बैसल कन्वेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल. इंडिया इज अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन. दिस इज बैसल कन्वेंशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आपको क्या करना है, चूज करना है द करेक्ट करेक्ट वंस. ओके, the tribunal shall not be bound by the procedure laid down under the code of civil procedure. The tribunal shall be guided by principles of natural justice. NGT has 5 principal benches across the India. You need to choose the correct statements here. Okay, which of the following statements are correct here? Question number 8. Yes, the answer here is 1 and 2. Okay, here you can see NGT has 5 places of seating, principal bench in Delhi. So here you can see the principal bench hai, that is in Delhi. Baki zonal benches are in Pune, Kolkata, Bhopal and Chennai. Okay, these are the zonal benches. Principal bench kaha pe hai? Delhi mein hai. तो यहाँ पे क्या लिखा गया था, 5 ही प्रिंसिपल बेंचेस हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यू नो, दे आर नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. मतलब जो सीआरपीसी आईपीसी होता है, दे आर नॉट बाउंड बाय दिस आईपीसी सीआरपीसी, बट वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से चलता है. ओके, ओके, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? यू विल गेट द पीडीएफ, डोंट वरी अबाउट इट. इट इज आस्किंग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, उसका फंक्शन क्या क्या है इसमें से. करेक्ट,
all the three, right? Preparation and presentation of union budget, preparation and presentation of budget of state governments under president rule. जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है वहाँ पे भी यू नो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बजट बनाएगा. कैडर मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ऑल दिस आर डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो बजट इज एन इम्पोर्टेंट, बजट में से यू नो व्हिच डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ बजट, ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो बजट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं. तो द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट शोज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. इट इज आस्किंग जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसे हम बजट कहते हैं, राइट, जिसे हम बजट कहते हैं, तो इट शोज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास हमें पता है कि तीन अकाउंट्स रहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. करेक्ट, इट इज ऑल द थ्री, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट. ये तीनों अकाउंट का ही रिसीट्स एंड पेमेंट साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. ओके, वेरी गुड. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. येस, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्यों ऐसा होता है हम देख लेते हैं. इट बिकेम ऑपरेशनल इन 2015, नो इट इज 2016. ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑपरेशनल कब हुआ, 2016 में. देन इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड बेटर गवर्नेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, नहीं ऐसा नहीं है. एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई द फिनेंस मिनिस्ट्री, ये भी आपका गलत है. यहाँ पे आप देखो, बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म कमिटी वॉज सेटअप इन 2014, जिसके रिकमेंडेशन पे 2016 में ये हुआ. तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ओके, तो जितने भी कॉर्पोरेशन हैं तो उनके बेटर एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए दिस इज डन, नॉट इन द बैंकिंग सेक्टर. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एस्टेब्लिश इन 2009 इज अ मल्टीलेटरल एजेंसी वर्किंग अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, दिस इज एन एजेंसी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप. वेरी इजी, यस, इट इज अंडर द G20. ओके, G20 अभी आपको प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2009, इट कम्स अंडर द G20. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ई रूपी. इट इज कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम. इट इज एज गुड एज डिजिटल करेंसी. इट विल नॉट रिक्वायर एनी एप्लीकेशन और कार्ड फॉर द पेमेंट. You need to choose the correct statements here. Yes, 1 and 3. It is not as good as digital currency. Digital currency ये नहीं है. I hope you all are aware. जो CBDC है, ये आपको हर जगह पूछा जाता है, ई रूपी एंड UPI. इसमें तीनों को आप बहुत अच्छे से तीनों देख लेना. देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो दिस इज नॉट अ डिजिटल करेंसी. यहाँ पे यू कैन सी QR कोड एंड SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर आपको मिलता है ई रूपी सिस्टम में, विच विल बी डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ द यूजर. ओके, द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ डिपार्टमेंटल एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 14. Land Ports Authority of India is a departmental agency of which of the following? Okay, it comes under Ministry of Home Affairs. ठीक है, Land Ports Authority of India, it comes under Ministry of Home Affairs. यहाँ पे थोड़ा confusion हो सकता है. You might have answered as Ministry of Ports, Shipping and Waterways, but the answer here is Ministry of Home Affairs. Okay. Okay, consider the following statements and choose the option with wrong statements about International Financial Service Center Authority. It is a constitutional body. It is the single body in the charge of regulation of all the financial institutions in India. FSCI has no representation from regulatory bodies in India. आपको क्या चूज करना है? Choose the option with wrong statements. You have to choose the option, the statement with wrong statements, guys.
Yes, all the three statements are wrong यहाँ पे. It is not a constitutional body. Yeah, we all know this. ये constitutional body नहीं है. There is no mention of any regulatory body in the constitution. In India, IFS is a single body in charge of regulation, although in financial institution नहीं. जो international financial service centers में जो institutions होते हैं, उनको regulate करता है. And it has representation from all the regulatory bodies, including RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम यूटिलिटी ऑफ उमंग ऐप एप्लीकेशन. उमंग एप्लीकेशन का प्राइम यूटिलिटी मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? उमंग एप्लीकेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव वेरी इजी. यस, इट इज ए, इट इज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम योर what do you call that PAN services, all those licenses, all those things can be all the services can be availed through this Umang app. ठीक है, Umang application. We'll see more questions on Umang. तो वहाँ पे बाकी के जो aspects हैं Umang application का वो भी cover हो जाएंगे. The Ministry of Education has launched Operational Digital Board to leverage technology in order to boost quality education in the country. It will be implemented by which of the following? जो Operational Digital Board है तो वो क्वालिटी एजुकेशन बूस्ट करने के लिए मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था. तो इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यस करेक्ट, इट इज बाय द यूजीसी. ओके, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ ऑपरेशनल डिजिटल बोर्ड. ओके, वेरी गुड, ऑलमोस्ट एवरी वन इज करेक्ट यू. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीबीडीसी. सीबीडीसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी टू बी लॉन्च बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट हैज बीन लॉन्च. इट डज नॉट डिफर फ्रॉम द प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज. क्रिप्टो करेंसी इज अ क्रिप्टोग्राफी बेस्ड पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम्स. आपको चूज करना है करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, यस, इट डज नॉट डिफर फ्रॉम द प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज. नहीं, क्योंकि इट इज बैक्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे यू कैन सी सीबीडीसी इज अ वर्चुअल करेंसी बट इट डिफर्स फ्रॉम द प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज दैट हैव एक्सप्लोडेड इन पॉपुलैरिटी ओवर द लास्ट डिकेड. क्योंकि वहाँ पे नो इशूअर रहते हैं, बट यहाँ पे आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इज द इशूअर. आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. तो एज पर द आर्टिकल 262 जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, दोज आर एडजुडिकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, इट इज पार्लियामेंट. ओके, वेरी गुड पूजा, यू आर करेक्ट. तो पार्लियामेंट होल्ड्स द पावर टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. जितने भी वाटर स्टेट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो पार्लियामेंट कैन फ्रेम लॉज ऑन दैट. तो ये चाहे कोई बॉडी बना दें, यू नो दैट विल लुक आफ्टर दिस डिस्प्यूट्स. अभी रिसेंटली एक न्यूज में था, कैन एनी वन टेल मी कौन से रिवर का डिस्प्यूट अभी रिसेंटली न्यूज में है? तो फॉर दैट रीजन ऑल दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ट्रू? ओके, दीज आर द स्टेटमेंट्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सेट ऑफ 17 पॉइंटर टारगेट्स एंड वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ SDGs आर इट रियली टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज. गोल 4 एनश्योर्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. कावेरी, यस. तो यहाँ पे SDGs के बारे में आ जाते हैं. SDGs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इज देयर, राइट? गोल नंबर 13 टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज. यहाँ पे यू कैन सी टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट. दैट इज गोल नंबर 13. ओके, सो हियर द आंसर इज सी. ऑलमोस्ट एवरी वन इज करेक्ट अगेन. निलेश, ओके, सनिका, ऑल ऑल इफ आर करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मल्टीप्लायर इफेक्ट इज और आर ट्रू. इसमें से मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? करेक्ट. वन एंड टू. इन मल्टीप्लायर इफेक्ट द गवर्नमेंट बियर्स अ ह्यूज लॉसेस ऑन टैक्स फ्रंट. नो, देर इज नो सच रिलेशन विथ मल्टीप्लायर इफेक्ट. ठीक है. वेन गवर्नमेंट स्पेंड्स ए रूपी ओवरऑल इनकम राइजेस बाई मल्टीपल मोर देन वन रूपी, दैट इज मल्टीप्लायर इफेक्ट. ओके. तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल ऑल्सो एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो उस हिसाब से फिर वो मल्टीप्लाई होकर आपकी इकॉनमी में हेल्प करता है. सो दिस इज नथिंग टू डू विद अ टैक्स बर्डन, और कुछ भी नहीं है टैक्स के साथ लेना देना. ओके. तो सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स डेमोग्राफिक डिपेंडेंट. यस. अगेन सी, यहाँ पे 21 to 51 नहीं है. यहाँ पे आप देखो वर्किंग एज ग्रुप क्या है, 15 to 64. ओके. तो 15 to 64 इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन अवर कंट्री. बाकी सब सही है, आपको पता होगा. ओके. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज फॉल्स. इट इज आस्किंग अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. FDI, FPI, बोथ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल, कहीं ना कहीं आप देखो विथ फेज वन एंड फेज टू कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपको आते रहते हैं. ओके. इट इज आस्किंग फॉल्स. यस. नेशंस विद हाई लेवल FDI, यहाँ पे यू नो एनकाउंटर हाइटेंड मार्केट वोलेटिलिटी एंड करेंसी टर्मोइल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, बट दिस इज रॉन्ग. जहाँ पे हाई FPI होता है वहां पे मार्केट वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, क्योंकि द एग्जिट ऑप्शन विथ FPI इज ईजी. ठीक है. एग्जिट ऑप्शन विथ FPI इज रियली इजी, बट FDI इज रियली टफ, क्योंकि दे ओपन अप कंपनीज एंड एवरीथिंग, दे हायर पीपल, दे स्पेंड ऑन मार्केटिंग, स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, तो फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट CAG. इट इज आस्किंग फॉल्स अगेन. फॉल्स अबाउट CAG. करेक्ट. यहाँ पे डी इज द आंसर. यहाँ पे आप देख सकते हो इट कैन ऑल्सो ऑडिट एनी प्राइवेट कंपनी एज इट डीम्स फिट. नो, प्राइवेट कंपनी को क्यों करेगा ऑडिट, बताओ. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो शायद PSE को कर सकता है, बट इट विल नॉट डू एनी ऑडिट इन द प्राइवेट कंपनी. ओके. व्हाई द स्क्रीन इज डार्क. इज देर एनी इशूज विद द स्क्रीन गाइस? आपको दिख नहीं रहा क्या क्लियर? Which of the following objective does not belong to the World Bank Group? कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नहीं है? इट इज वेरी इजी, आपको पता होगा. ई, राइट. इट सेटल्स ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज. नो, दिस इज रॉन्ग, राइट. लोन्स, क्रेडिट ग्रांट्स देता है, लो और नो इंटरेस्ट लोन्स तो देता ही है. लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेन पॉलिटिकल रिस्क हेल्प करता है. इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इफ देर इज एन इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स इट ऑल्सो हेल्प्स देयर, बट ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स नहीं करता है. तो माय ब्राइटनेस इज इट हाई, आई डोंट थिंक इट इज अ ब्राइटनेस इशू, बट विल सी क्या इशूज है. ओके. यहाँ पे यू कैन सी, तो अब हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. तो ट्रेड रिलेटेड इशूज को कौन रिजॉल्व करता है? यू विल हैव टू यू नो मेंशन इन द चैट बॉक्स. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स क्या करता है ना, यू नो मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स में डिवाइड करता है इन पोर्ट्स को. ओके. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेजर पोर्ट इज फॉल्स. यस, करेक्ट निलेश, इट इज WTO. WTO, करेक्ट. यस.
Yes, all these following statements are correct. 13 major ports are there, 200 notified minor and intermediate ports are there. मेजर पोर्ट्स कौन है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज करता है. माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स आर बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे आप देखो इंडियन पोर्ट्स को मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम. यस ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज मैंडेटेड टू डेवलप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी जो है, कौन डेवलप करता है हमारे कंट्री में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट दिया गया है? यस, द आंसर हियर इज ट्राइफेड. ओके, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ट्राइफेड. ओके, ट्राइफेड को ही ये मैंडेट दिया गया है जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मैनेज करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैक्स और जीआई टैक्स इज फॉल्स. जीआई टैक्स के बारे में कौन सा फॉल्स है? यस, बी, तो ऐसा नहीं है कि ओनली हैंडीक्राफ्ट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स आर एलिजिबल टू गेट सच टैक्स. नहीं, देयर आर होल लोड ऑफ अदर आर्टिकल्स दैट गेट द जी आई टैक्स, इंक्लूडिंग यू नो फूड फूड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मेजर ऑफ द जनरल प्राइस इन्फ्लेशन इन एन इकॉनमी. इनमें से कौन सा आपको जनरल प्राइस राइज इकॉनमी में दिखा देता है? यस, जीडीपी डिफ्लेटर. ओके, जीडीपी डिफ्लेटर आपको यू नो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन दिखा देता है. व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? यहाँ पे आपका नॉमिनल जीडीपी रह गया या आपका रियल जीडीपी रह गया. जो नो, व्हेन यू डिवाइड दिस टू थिंग्स व्हाट यू विल गेट इज जीडीपी डिफ्लेटर. दैट अल्टीमेटली शोज की व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन वी हैव इन आवर कंट्री. ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? सर ये हो गया है, तो यस इट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. क्वेश्चन नंबर 30 इज डन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? इट इज आस्किंग डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. करेक्ट, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यहाँ पे आप यू कैन सी इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हो गया आपका आरबीआई, जैसे कि हो गया आपका नबार्ड, दे कम अंडर विच डिपार्टमेंट? हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको बताना है ये सारे कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी. जीएसटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स आप बताओ अभी. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी. करेक्ट, इट इज सब्ज्यूम्ड ऑल टैक्सेस इन द कंट्री. नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सेस हो गया है. इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने थे यू नो इट हैज सब्ज्यूम्ड ऑल द ओनली द इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, येट सम इनडायरेक्ट टैक्सेस आर देयर. ऐसा नहीं कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ही गायब हो गए, और डायरेक्ट टैक्सेस तो है ही. ओके, एंड इट इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां पे कंजप्शन होता है वहीं पे टैक्स देना होता है. एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही आया था. करेक्ट, अटल पेंशन योजना इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी? सेम डेस्टिनेशन बेस्ड जो भी है आपको कंजप्शन बेस्ड सेम है. ओके, अटल पेंशन योजना इज बाई पीएफआरडीए. ओके, तो 1000 से लेके आपको 5000 का पेंशन मिलता है इसमें. दिस इज बाई द पीएफआरडीए. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में आपको बताना है. इट वॉज सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंप्लीमेंट स्किल वाउचर प्रोग्राम, नाउ इट नाउ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. को करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं. यस,
Yes, all of these following are correct. Okay, NSDC was initially started with the Ministry of Finance. ठीक है, लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, MSDE को लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसफर्ड. तो स्किल वाउचर प्रोग्राम एक होता है, तो यू नो दैट इज अल्टीमेटली रन बाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, NSDC, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, अब हमने देखा देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट एंड कंटीजेंसी फंड. तो ये कंटीजेंसी फंड किसके पास रहता है? यस करेक्ट, इट इज विद द प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट इज द यू नो होल्डर जिसको ऑपरेट करने के लिए आप देखोगे कि फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ रहता है, बट प्रेसिडेंट इज द यू नो फाइनल अथॉरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे हम DBT बोलते हैं, ये कौन सी ईयर में शुरू हुआ? यस, इट वॉज स्टार्टेड इन 2013. ओके, तो 2013 में पहली बार ये शुरू हुआ. देन फिर बाकी हम देखा कि DBT हैज बीन ट्रांसफर टू ऑलमोस्ट एवरी अदर सेक्टर इन आवर कंट्री. जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ऑलमोस्ट एवरी अदर सर्विसेज में नाउ वी हैव स्टार्टेड DBT. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन एन NBFC एंड अ बैंक. NBFC एंड बैंक में एक मेजर डिफरेंस इनमें से कौन सा है? यस, NBFC कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स. NBFC डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. ओके, दीज आर द मेजर डिफरेंसेज. बाकी अर्बन एरियाज, वाई कैनॉट दे ऑपरेट इन अर्बन एरियाज, एंड NBFC कैनॉट डील डायरेक्टली विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी गलत है. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो A and B का करेक्ट आंसर, तो आपका E आंसर बन जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको पता होगा कि हर कंपनी में रहते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट, राइट? तो इट इज आस्किंग नॉट अ रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यस, ई आप देख रहे हो, ऑल ऑफ द अबव अदर रोल्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ओके, इंडिपेंडेंट मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स. तो यू नो अगर प्रेशर्स आते हैं कोई ओनर्स की तरफ से, तो उसको विदस्टैंड करना. अल्टीमेटली दे वर्क फॉर द इन्वेस्टर्स. ओके, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, उनका इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना ही इज द उनका ऑब्जेक्टिव. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी आता है तो वो चेक करते हैं. एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो बाहर पब्लिक में इशूज होते हैं, उसका इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, दे ऑल्सो यू नो एंश्योर दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर फंक्शंस ऑफ SHG. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है. ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आपको है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट SHGs. यस, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. यहाँ पे आप देखो, फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड मेजर ऑब्जेक्टिव है. कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशंस होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में. एंड इट प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री लोन्स, यू नो आपको मिल जाता है, राइट, जो मेंबर्स हैं उनके. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट OECD इज और आर ट्रू. OECD के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही है? ओके, OECD बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. अभी आपको पता होगा कि जैसे G20 के बाद ऑल दिस ग्रुप इंस्टीट्यूशन, जितने भी ग्रुप इंस्टीट्यूशन हैं, वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. उसमें से क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हो जाएगा. दिस इज अबाउट OECD. यस, यहाँ पे ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, मोस्ट OECD मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज, जहाँ पे वेरी हाई डेवलपमेंट इंडेक्स मिलेगा, वो सारे OECD के मेंबर्स हैं. OECD originated in 1948 as the Organization for European Economic Cooperation. Later on, it became OECD. Objective of OECD is to include fostering economic development and cooperation in fighting poverty through promotion of economic stability. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? QCI, that is Quality Council of India. It is jointly set up by the Government of India and which of the following? Quality Council of India is jointly set up by Government of India and which of the following?
यस यहाँ पे आप देख रहे हो जॉइंटली बाय द दिस थ्री इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, एसोचैम एंड सीआईआई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपको सर्वे वगैरह होता है ना यहाँ पे क्लीनलीनेस का या किसी का, तो ऑल दिस आर डन बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो ये इंस्टीट्यूशन देता है। ओके, वेरी बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, जो यू नो डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स हैं, तो उसके बारे में देर आर थ्री स्टेटमेंट्स। प्लीज आप इसको यू नो अटेम्प्ट कीजिए। इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द डिपॉजिट्स, एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, डिमांड डिपॉजिट्स आर यू नो सेविंग्स बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स आर फिक्स डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट्स। नाउ यू कैन मेक अ मेक एन अटेम्प्ट एट लीस्ट, बट दिस विल बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। यस, आंसर इज 1 and 2। डिमांड डिपॉजिट्स आर सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक बैलेंस शीट, वेयर इज टाइम डिपॉजिट्स आर एसेट्स। नहीं, बैंक के लिए एसेट क्या है आप बताएं मुझे कमेंट में, बैंक के लिए एसेट्स क्या है? लोन्स। ओके, तो लोन्स हैं बैंक के लिए एसेट्स, बाकी ये दो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब एट द डिमांड वी कैन विदड्रॉ द अमाउंट, टाइम इज फॉर फिक्स्ड मतलब कोई फिक्स पीरियड के लिए, दैट इज देयर विद द बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ कंट्रीज ओवरऑल ट्रेड, फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इट इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स इट एक्सपोर्ट्स, मतलब टोटल इम्पोर्ट्स ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट्स है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलेंगे? यस नीलेश, सनिका, यू ऑल आर करेक्ट, हर्षल, यस द टर्म इज करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, टोटल इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स जब एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, वेरी गुड। ओके, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स ट्विन गोल्स आर एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय व्हिच ईयर एंड बूस्टिंग सेड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पुअरेस्ट व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल द कंट्रीज। यस, वेरी फैक्चुअल एंड ईजी वन। यस, इट इज 2030। ठीक है, 40% पॉपुलेशन का प्रोस्पेरिटी हमें करना है एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है विल हैव टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाई 2030। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20 इज और आर ट्रू। G20 के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? अबाउट G20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट, आपको कोई इश्यूज है तो आप बता सकते हो, बट वी विल हैव टू कंप्लीट 100 क्वेश्चन, तो इसीलिए थोड़ा तो स्पीड करना पड़ेगा हमें। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन व्हेन वील अपलोड द पीडीएफ आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी इज फिक्स्ड विद द यूरोपियन नेशंस, ये तो नहीं हो सकता, राइट? अभी भी रिसेंटली हमें पता है कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी था, राइट? तो बाकी सारे सही है, 19 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन मिलकर करते हैं, इंडिया से मेंबर कंट्री। ओके, वेरी गुड। अबाउट दिस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। अफ्रीकन यूनियन हैज बीन यू नो ऑफिशियली उसका मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, एवरीवन हैज एक्सेप्टेड, बट हाँ एक बार ऑफिशियल हो जाएगा नेक्स्ट समिट तक देन वी कैन इंक्लूड। अबाउट विपो, यस, तो इंडिया ज्वाइंट विपो सिंस स्टार्टिंग। ठीक है, जब से शुरू हुआ है तब से ही इंडिया इसका मेंबर है, 1975 से। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, क्रिएटेड इन 1967। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, उसके बारे में आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यस, 2 and 3, तो ये आप देख सकते हो, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आता है।
बाकी इट इज अ प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट प्रिपेयर्स मंथली एंड एनुअल एनालिसिस ऑफ वेरियस फिस्कल इंडिकेटर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किसान विकास पत्र एंड टेल मी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. किसान विकास पत्र यस ओनली थ्री. ठीक है यहां पे शुड बी नॉट करेक्ट आई बिलीव राइट. इट इज अ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स पीपल टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान. इन 2014 इट वॉज रीलॉन्च्ड विथ मेनी चेंजेस. यस इट वॉज रीलॉन्च्ड. पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टमेंट्स ओवर 50,000. ओके सो इट शुड बी नॉट करेक्ट. ठीक है यहाँ पे थोड़ा देर इज वन एरर. सो 50,000 के अबव आपको यू नो पैन इज मैंडेटरी. पैन इज मैंडेटरी अबव 50,000. ओके हाँ तो यहाँ पे करेक्ट आएगा तो फिर डी शुड बी द आंसर. नॉट करेक्ट है तो सी इज द आंसर. ओके यहाँ पे बताओ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड चूज the which of the following statements are correct. Again question based on API. हमने FDI API का पहले एक already question देख रखा है. There is another question. Yes, it consists of securities and other financial assets specifically held by the foreign investors. इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स विद डायरेक्ट ओनरशिप फाइनेंशियल एसेट्स. नहीं वो एफडीआई में होता है. एफपीआई इज लेस लिक्विड रिस्कियर देन एफडीआई. यहाँ पे नहीं एफपीआई इज मोर लिक्विड राइट. एफपीआई कभी उठा के ले सकते हैं. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं हॉट मनी भी. इट इज ऑल्सो गॉट. वट इज द ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रोवाइडेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन. ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब क्या है. Yes, correct. The RBI window for granting banking license will be open throughout the year. Okay, throughout the year, it's on tap licensing. What is meant by tax haven? Tax haven, which of the following correctly describes tax haven? करेक्ट. अ कंट्री विच गिव्स टैक्स एग्जेम्पशंस टू द फॉरेन सिटीजन्स दैट इज टैक्स हेवन. तो साइप्रस आपको पता होगा एक कंट्री है जिसे हम टैक्स हेवन कहते हैं. तो आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर कंट्रीज जिसे हम टैक्स हेवन कहते हैं. तो प्लीज आप बताइए मुझे चैट सेक्शन में. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. Which of the following statements is correct about capital expenditures? Yes, Mauritius, Monaco, all these are countries are tax havens, correct. Switzerland is also a tax haven. Okay, all these following statements are true. यहाँ पे आप देख सकते हो. Often used to undertake new projects and investments by a company. कंपनी का एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू एंड अर्निंग से बढ़ाता है. एंड कैपेक्स कैन इंक्लूड परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स एज वेल. ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम डे टू डे एक्सपेंडिचर्स कहते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ कोर सेक्टर एंड चूज द ऑप्शन विथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ओके विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट. थ्री ओनली. टेलीकॉम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एट कोर सेक्टर्स. हमने देख लिया था एट कोर सेक्टर्स क्या क्या है. अगेन विल बी रिपीटिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टील
रिफाइनरी प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल कोल सीमेंट नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स एंड उसका शेयर 40.27% इज। द सेम क्वेश्चन वॉज आस्ड ठीक है अभी रिसेंटली शायद RBI में ये पूछ रखा है और ऑलरेडी 8 कोर सेक्टर्स का ना बहुत सारे क्वेश्चन नबार्ड इज आस्ड अर्लियर। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अंडर स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आता है? यस सुरक्षा बीमा योजना ऑफ कोर्स इट इज एन इंश्योरेंस स्कीम राइट। तो बाकी आप जो देख रहे हो सुकन्या समृद्धि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यू नो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके सुरक्षा बीमा योजना एंड इंश्योरेंस स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या में इनमें से कौन किसका हेडक्वार्टर है? यस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ठीक है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। तो इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे नैरोबी केन्या में है। तो आप हमेशा देखोगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और उसका हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको इधर इन ESI और इन GA इन फेज वन मिल जाता है। ओके तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस कौन रिलीज करता है? करेक्ट इट इज बाई वर्ल्ड बैंक। ओके वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिनटेक्स डेटाबेस करता है यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इट यूजेस चेक करता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज कितने लोग यूज कर रहे हैं। ओके ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेचुरल फार्मिंग। तो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। मिजोरम इज वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। नेचुरल फार्मिंग इज सिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGA सर्टिफिकेशन इज एम्ड एट प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग। यस PGS सर्टिफिकेशन ये मिलता है आपको नेचुरल फार्मिंग के लिए। बाकी सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट जो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना था ठीक है। सिक्किम इज द स्टेट इट वॉज आस्ड इन नबार्ड 2 times ठीक है दो बार पूछ रखा है। नेचुरल फार्मिंग इज सिंक्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नहीं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में सिंक्ड है। ओके गोल 1 में नहीं है। ओके वेरी गुड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यस डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स ओनली। नहीं ऐसा नहीं है कमर्शियल बैंक्स RRB स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स और दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाई everyone। नबार्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमिटी इसे किया था इम्प्लीमेंटेशन एंड 1998 से ये शुरू हुआ है राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे यू कैन सी नीलेश अनु सानिका यू ऑल आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को इनमें से कौन सा सेंटेंस क्लियरली डिफाइन कर रहा है? यस आंसर इज बी। तो यहां पे देखो नो दिस शुड नॉट बी बी एक्चुअली इट इज अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड स्किल्स अवेलेबल इन द वर्कर्स इन द मार्केट ठीक है। दैट इज स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। मतलब लोगों के पास स्किल्स है बट जिसका डिमांड है उसका स्किल नहीं है ठीक है। डिमांड जो जो स्किल का है दैट इज नॉट अवेलेबल सो इट इज स्ट्रक्चरल। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इज रिलीज मंथली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। बी इज करेक्ट। यस यस बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 IIP इज रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन।
यस इट इज बाई एनएसओ, ठीक है, एनएसओ इज द करेक्ट आंसर, एनएसओ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. इनमें से एक भी मैंने जानबूझ के एक गवर्नमेंट स्कीम भी ले लिया था. ओके नाउ यू टेल मी अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. वेरी इजी क्विक. यस तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द फंड 80% ऑफ द फंड हैज बीन यूज फॉर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि कैंपेन है, अवेयरनेस कैंपेन है, तो ऑब्वियसली इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा होगा ही. इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई स्टेट्स विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस. तो फंडिंग जो मिलता है सेंट्रल असिस्टेंस है, लेकिन इम्प्लीमेंटेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके विथ रेफरेंस टू नीति आयोग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट. यस अनु अनु इज करेक्ट है. तो ठीक है नीति आयोग का आंसर देख लेते हैं. यस इट इज बी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, इट इज द प्राइम मिनिस्टर. सुब्रमण्यम कृष्ण स्वामी नहीं परमेश्वरन आयर नीति आयोग के सीईओ. एंड इट प्रोवाइड्स रेलिवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ओके दैट इज द पर्पज ऑफ योर नीति आयोग. ठीक है मेन ऑब्जेक्टिव नीति आयोग वही है. विच ऑफ द व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन, जो स्टैगफ्लेशन होता है इनमें से कौन सा फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है. यस बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है हाई प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन एंड लो, सॉरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके यहाँ पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए तो, या लेकिन लो अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये नहीं होगा. ओके तो यहाँ पे कैन सी बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है स्टैगफ्लेशन मतलब यू कैन सी स्टैग्नेशन होता है इन्फ्लेशन होता है, मतलब मार्केट में एक्टिविटी नहीं हो रहा है और ऊपर से प्राइसेस भी ज़्यादा है, तो दैट अल्टीमेटली रिलेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेशन. लोगों का जॉब भी जा रहा है ऊपर से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है. विथ रेफरेंस टू GST काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट GST काउंसिल. यस बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ इक्वल वोटिंग वेटेज, नहीं ऐसा नहीं है. हमें पता है कि यहाँ पे इक्वल वोटिंग नहीं है. ऑलमोस्ट टू थर्ड आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेक इन टू थर्ड वोटिंग राइट्स इज विद द यू नो यूनियन गवर्नमेंट. राइट कैन एनी वन टेल मी, कन्फर्म कर सकता है कोई कितना वोटिंग इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके काउंसिल्स डिसीजन आर रिकमेंडेड एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी बट बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स गिव टू उनका रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. ओके इट इज क्रिएटेड अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G7 एंड G20. ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर अ पार्ट ऑफ G20. ऑल G7 मेंबर्स अदर देन जापान आर नेटो मेंबर्स. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G7 एज वेल एज G20. ओके टू थर्ड स्टेट्स वन थर्ड विद सेंटर. ओके करेक्ट करेक्ट. यस डी इज द करेक्ट आंसर. यह इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7. आपको पता होगा G7 में फ्रांस जर्मनी यूके इटली यूएसए कनाडा जापान है. ठीक है तो ये दिस इज रॉन्ग, बाकी ये दोनों सही है. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट I2U2. I2U2 आपको पता होगा लास्ट ईयर बहुत न्यूज में था अगेन बिकॉज ऑफ दिस G20. मैंने कहा था आपको कि G20 की वजह से ऑल दिस नो ग्रुपिंग्स, जितने भी ग्रुपिंग्स हैं इंडिया इज अ पार्ट और नॉट पार्ट, यानी मेजर ग्रुपिंग्स सब इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सारे ग्रुपिंग्स को देखना होगा. ठीक है
यस सी इज द करेक्ट आंसर यार. आई आई टू यू टू में आप देख सकते हो इंडिया इजराइल यूएई यूएस. इंडिया इजराइल यूएई यूएस आर पार्ट ऑफ आई टू यू टू. ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपीपी दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. यस ओनली थ्री इफ द इन्वेस्टमेंट्स आर अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी. सॉरी यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रखा है. रियली सॉरी नॉट करेक्ट. ओके एंड फॉर अ इन्फेनाइट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कुछ नहीं रहता है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्फेनाइट टाइम के लिए नहीं रहता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस टाइप इन्वेस्टमेंट्स आर अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट सपोज ये प्रोजेक्ट 10 साल का है. एट ईयर्स का प्राइवेट सेक्टर रहेगा. फिर यू नो गवर्नमेंट टेक्स ओवर. ओके बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर करेक्ट. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलाउ लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड विद प्राइवेट फंडिंग. ओके करेक्ट. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट इज नॉट करेक्ट. ओके यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट. यस सी एफ आर बी एम बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी. ये नहीं है. ये यशवंत सिन्हा ने इसे इंट्रोड्यूस किया था एफ आर बी एम बिल. बाकी इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फिजिकल प्रूडेंस एंड एन के सिंह कमिटी वॉज सेटअप टू रिव्यू द एफ आर बी एम एक्ट. करेक्ट. ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड चूज द ऑप्शन नॉट करेक्ट. यस आई एंड फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द कमोडिटीज विच टेंड टू बी मोर वोलेटाइल एंड द हेडलाइन इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इट इज करेक्ट. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है इट कवर्स एवरीथिंग. जब हम कोर इन्फ्लेशन देखेंगे देन वी आर एक्सक्लूडिंग द वोलेटाइल कमोडिटीज. ओके हेडलाइन इन्फ्लेशन इज शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द 10 ईयर्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट. ओके विथ रेफरेंस टू डोफ फार्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था. ओके डोफ फार्म्स तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट. तो आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत अच्छे से करके जाना है. प्लीज रिमेंबर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यू हैव टू डू. ओके यस सी यहाँ पे आप देख रहे हो फर्म्स एम्प्लॉइंग लेस देन 100 वर्कर्स. करेक्ट. इट अकाउंट्स ऑफ मोर देन हाफ ऑफ ऑल द फर्म्स दैट आर इन द ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. दीज आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द इकोनॉमी. ये तो नहीं हो सकता. राइट. ये नहीं हो सकता. बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है. राइट. ओके विथ रेफरेंस टू एमएसएमई सेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट. एमएसएमई सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है. यस एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया अकाउंट फॉर मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द इकोनॉमी. यू नो इट इज करेक्ट. स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट. द सेक्टर हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज रीजनल इम्बैलेंस. ऐसा नहीं होता है. डिक्रीज रीजनल इम्बैलेंस ये कर सकता है. द सेक्टर रिसीव्स इंसेंटिव्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओनली. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ओके ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेंडर बजटिंग एंड आपको चूज करना है नॉट करेक्ट. अबाउट जेंडर बजटिंग अगेन वन क्वेश्चन ऑन जेंडर बजटिंग वॉज ऑलरेडी आस्ड अर्लियर द वार्ड में. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट अगेन.
Yes, gender budgeting is a process to plan between plan between women and women ऐसा women and men ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, तो women and child development is the nodal agency and gender budget cells are formed within ministries and departments to strengthen gender budgeting process. मतलब क्या है, हर एक department में there is a unit जो gender budgeting को देखते हैं. ओके, ऐसा ऐसा नहीं कि अलग men का and women का अलग अलग plans बनता है. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आयुष्मान भारत एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट. यस, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इट कवर्स ओनली प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स, ऐसा नहीं है. तो विल सी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिलता है फ्री, क्वालिटी एंड कैशलेस हेल्थ फैसिलिटीज, 5 लाख पर फैमिली, दैट इज द नॉर्म ऑफ दिस आयुष्मान भारत. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्राइमरी हेल्थ केयर एंड जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एवरी काइंड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स आर कवर्ड. ओके, जो इसमें प्राइमरी केयर नहीं है, फॉर दैट रीजन ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लैक लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड. ओके, मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो इसको इस फिगर को हम क्या कहते हैं? यस करेक्ट, इट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. तो यहां पे आपको याद रखना है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू 1 लाख लाइव बर्थ्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वनिधि स्कीम एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट. अगेन इजी वन, यस, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तो बिल्कुल नहीं है. इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे लॉन्च किया था. बाकी हमें पता है कि कैशबैक मिलता है हर महीने 100 रुपीज़ एंड स्ट्रीट वेंडर्स की वेलफेयर के लिए. दिस पर फिर इज हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यस, इट इज आनंद गुजरात. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरशिप में आता है. दिस इज इन आनंद गुजरात. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 केम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच डेट? करेक्ट, इट इज 1 जुलाई 2005. ओके, 1 जुलाई 2005 से ये इम्प्लीमेंट किया गया. विथ रेफरेंस टू फेडरलिज्म इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है. प्रीएम्बल मेंशंस इंडिया टू बी अ फेडरल स्टेट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 हैज डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ फेडरेशन. द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यस, 3 ओनली. तो वर्ड फेडरेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, फॉरगेट अबाउट प्रीएम्बल एंड आर्टिकल्स. तो फेडरेशन जो वर्ड है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है. स्पर्स पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पर्स पोर्टल, यस, इट इज अ पेंशन सेंक्शन सिस्टम. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो हम सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज स्पर्स. दिस इज अबाउट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 80. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ एशियो इन 2017. तुर्कमेनिस्तान इज बीन फाउंडिंग मेंबर. एशियोज ऑफिशियल लैंग्वेज आर फ्रेंच एंड चाइनीज. यस, यहाँ पे यू कैन सी इंडिया एंड पाकिस्तान वर मेंबर्स इन 2017. तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशियो. एशियोज ऑफिशियल लैंग्वेज आर रशियन एंड चाइनीज. ठीक है, देर इज नो लॉजिक कि फ्रेंच होगा इसमें. ओके, ए इज द करेक्ट आंसर.
The primary objective of RBI's monetary policy is to maintain price stability. RBI Act 1934 provides the floor inflation rate of 4%, and the monetary policy committee is formed by the RBI as per the provisions of RBI Act. तो आपको बताना है about RBI's monetary policy, which of the following statements are correct? यस, तो यहाँ पे यू कैन सी ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आरबीआई एक्ट 1934 आपको जो फ्लोर प्राइस देता है 2%, हाइस्ट देता है 6%, इज 4 ± 2% इज एंड एमपीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल यू नो गवर्नमेंट. ओके, तो एमपीसी इज नॉट फॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देर आर मेंबर्स ऑफ आरबीआई ऑफकोर्स, बट अगेन इट इज फॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक, सॉरी द सेंट्रल गवर्नमेंट. Principles of Responsible Investment, PRI, is an international network of investors working together to invest responsibly. So, PRI is backed by which of the following organizations? Yes, it is backed by the United Nations, okay? UNPRI is a Principles of Responsible Investments कहा जाता है. So this is by the United Nations. Okay, this is about SWIFT. So SWIFT was created after the Second World War. It is based out of Belgium. It is controlled by the central banks of the G10 countries, European Central Bank and the National Bank of Belgium. Which of the following statements are correct about SWIFT? Yes, Anu, you are correct. This is UN. यस, तो यहाँ पे यू कैन सी इट इज फॉर्मली नोन एज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. तो इट इज कंट्रोल्ड बाई यू नो द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द G10 कंट्रीज, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम. इट इज करेक्ट. तो बाकी की इन्फॉर्मेशन यू कैन सी इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1973 बेस्ड इन बेल्जियम. ओके, दिस इज नथिंग टू डू विद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ, कुछ लेना देना नहीं है इसका. ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ व्हाट? अगेन दिस वाज आल्सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन नबार्ड अर्लियर. ओके, दिस इज अ PYQ ऑलरेडी पूछ रखा है नबार्ड. इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ व्हाट? यस, इट इज 1 ईयर. ओके, 1 ईयर से नीचे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट होते हैं. ओके, एंड इट इज यू नो काउंटेड पर 1000 लाइव बर्थ्स में ये काउंट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स वेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर? कुछ कुछ महीने में उनको काम नहीं मिलता है, बाकी के टाइम दे आर एबल टू फाइंड जॉब्स. ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? करेक्ट, दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टन इशूज सीजन बाई सीजन. अब हमें पता है कि यू नो कभी एग्रीकल्चर में एक्टिव हो जाते हैं, कभी बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज नहीं मिल पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम मिलता है. सो ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स ऑफ द ईयर दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वर्क, दैट इज योर यू नो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DAY NRLM? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एंड वेरी यू नो कॉमन स्कीम जो नबार्ड में हर साल लगभग हर साल आपको पूछा जाता है. NRLM, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? नहीं, फ्रिक्शनल क्या होता है नीलेश? व्हेन समवन ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, जो बीच का पीरियड हो गया वो हो गया फ्रिक्शनल. ऐसा नहीं कि वो मैंडेटरी, आप ऐसा नहीं कि हर हर महीना जून में आप रिजाइन करते हो. राइट,
Yes, all of the above are correct. Enabling knowledge dissemination, building skills, credit access, marketing access, and livelihood service access. Okay, which of the following statements about the features of NRLM is or are true? Yes, E, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑल द अबव आर द फीचर्स. मिनिमम वन लेडी मेंबर ऑफ रूरल पुअर हाउस होल्ड इज टू बी ब्रॉट इन द नेटवर्क ऑफ NSHG. एंश्योरिंग फिनेंशियल इंक्लूजन, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, मतलब जब आइडेंटिफिकेशन होता है वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करके आइडेंटिफाई करेंगे. ऐसा नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल आके या कोई ऑफिस होगा दैट विल यू नो आइडेंटिफाई विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द यू नो बेनिफिशरीज. ओके, ड्यूरिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मनी टू द नीडी कंट्री. इनमें से कौन सा यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के वक्त लोग कंट्री को पैसा देता है? तो दिस यू नो सिमिलर क्वेश्चन, मतलब इसी लाइन पे क्वेश्चन था आपको लास्ट ईयर फेज टू में. करेक्ट, इट इज IMF. ठीक है, IMF प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स. मैं पता है कि जो इंडिया भी है ड्यूरिंग दिस BOP क्राइसिस, इंडिया हैज ऑल्सो गट मनी फ्रॉम IMF. रामसर कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1971. इट वॉज रिलेटेड टू वेटलैंड्स. द कन्वेंशन वॉज साइंड इन रामसर. इट इज अ सिटी इन विच कंट्री? यस, इट इज इन ईरान. ठीक है, रामसर इज इन सिटी इन ईरान. वेरी गुड. तो इससे बता सकते हो हाउ मेनी रामसर साइट्स वी हैव. टू स्ट्रेंथन द कॉम्प्लेंस बाई सुपरवाइज एंटिटीज, RBI इज पुटिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड प्रिज्म. तो व्हाट डज द M स्टैंड फॉर इन प्रिज्म? यस, इट इज मॉनिटरिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, दैट इज प्रिज्म. ओके, यस, 75 आर द नंबर. करेक्ट करेक्ट. वट इज द एम ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड? जो यूसुफ फंड है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? वट इज द एम ऑफ द यूसुफ फंड? प्रोवाइड अ बैलेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल सर्विस टू ऑल अनकवर्ड एरियाज. ये हो गया आपका यूज ऑफ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव. तो जितने भी टेलीकॉम कंपनीज होते हैं सर्टन पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इज यू नो असाइंड इन दिस यूज ऑफ, ताकि जितने भी अनकवर्ड एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पर हम सर्विस दे पाए. दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज ऑफ. ओके ओके, यूनिट यहाँ पे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. United States International Development Finance Corporation is the development financial institution of the United States federal government. And USAID is an independent agency of the United States federal government. Both these organizations are run by the convention set up by the United Nations. Choose the correct statements. Yes. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन हैज नथिंग टू डू विथ यू नो ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे आप अगर ये दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट देन ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट. यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का कोई एजेंसी में यूनाइटेड नेशन का क्या ही लेना देना होगा. राइट, करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टमेंट आर्म कौन सा है? वेरी इजी, पता होगा आपको. देर आर फाइव इंस्टीट्यूशंस, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फाइव इंस्टीट्यूशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? तो सी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज अ इन्वेस्टमेंट आर्म. ओके, वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री जनधन योजना इज और आर ट्रू? नहीं, गारंटी एजेंसी इज डिफरेंट निलेश. गारंटी एजेंसी प्रोवाइड्स गारंटी फॉर अ पर्टिकुलर यू नो कॉरपोरेशन टू गो एंड इन्वेस्ट इन अ कंट्री. वो गारंटी देता है. फाइनेंस कॉरपोरेशन इन्वेस्ट करता है इन प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करता है ये. ओके,
प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन से ट्रू हैं? करेक्ट, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। स्कीम कवर्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज, करेक्ट। इट प्रोवाइड्स एन इंडिजिनस डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड टू ईच अकाउंट होल्डर्स, करेक्ट। द अकाउंट होल्डर्स मस्ट मेंटेन मिनिमम बैलेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको नो फ्रिल्स अकाउंट मिलता है, राइट, बीएसबीटी अकाउंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम स्मार्ट सिटी मिशन। यस, टू इंटीग्रेट सिटी फंक्शंस, यूटिलाइज स्कैस रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजंस, दैट इज करेक्ट। टू इंप्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिस कैन बी करेक्ट। टू स्टॉप अर्बन एंड रूरल माइग्रेशन, दिस इज नथिंग टू डू विथ योर स्मार्ट सिटी मिशन, भाई इसमें क्यों आएगा बताओ? अर्बन एंड रूरल माइग्रेशन को क्यों कम करेगा यू नो स्मार्ट सिटी मिशन, वेरी लॉजिकल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कम अप विथ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है, IESH, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कम अप विथ दिस पर्टिकुलर सर्वे? वेरी इजी, यस इट इज डन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI रिलीजेस दिस पर्टिकुलर सर्वे, 6,000 हाउस होल्ड्स आर यू नो सर्वेड ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स का फीचर्स इनमें से कौन सा है? इट्स RBI, यस अनु यू आर करेक्ट। इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, करेक्ट, ऑल द अबव आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पे यू कैन सी कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर्स एंड ओनर्स ऑफ द बैंक, करेक्ट। दिस बैंक आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई द मेंबर्स हु डेमोक्रेटिकली इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलकर डेमोक्रेटिकली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो एंड अल्टीमेटली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। दे हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल मासेस इन आवर कंट्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सेज का ऑब्जेक्टिव्स है? यस, ऑल द अबव फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स, आप देख सकते हो, टू क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है जहाँ पे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन ईजी होते हैं, जितने भी कंपनीज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं तो दे काइंड ऑफ गेट सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, सो दैट नो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। रिसेंटली ई श्रम पोर्टल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, तो यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कम अप विद दिस पोर्टल, मतलब जो ई श्रम पोर्टल है कौन सा मिनिस्ट्री उसको रन करता है? वेरी इजी, मतलब इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 सेकंड्स टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ई श्रम पोर्टल, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड, ओके, नबार्ड में ना लास्ट ईयर आपको फेज वन में पूछ रखा है ऑलरेडी। यस इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ई श्रम पोर्टल, ओके, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन गाइस, ई गोपाला ऐप इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ई गोपाला ऐप इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इट शुड नॉट टेक अगेन मोर देन 2 सेकंड्स टू आंसर दिस पर्टिकुलर वन। अगेन ये भी न्यूज में अभी रिसेंटली है तो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, ओके, ई गोपाला ऐप इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यस करेक्ट, इट इज बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन भी हमने देख लिया था, तो इस ई गोपाला एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, ये हो गया आपका 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा इसी आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आकर चेक कर लेना, नहीं तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन नो ESI
आई एग्जाम भी ग्रुप करके सर्च करना इन द टेलीग्राम, देयर यू कैन ऑल्सो फाइंड. तो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्रेस द बेल. एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज या कुछ भी है तो यू कैन ऑलवेज मेल अस hello@examby.com पे. एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ सम ऑफ योर फ्रेंड्स जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, विथ दिस नोट गाइस, आई एम वाइंडिंग अप द सेशन नाउ. हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड प्रिपेयर वेल. एग्जाम इज जस्ट फ्यू डेज अहेड, अब इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है ऑन एवरी सेक्शन. बहुत अच्छे से सारे सेक्शंस को प्रिपेयर करना. डू नॉट टेक एनी पर्टिकुलर सेशन सेक्शन लाइटली, क्योंकि एक सेक्शन आपको रोक सकता है टू राइट योर फेस टू एग्जाम. ओके, तो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.